पार्लर स्टोर में रावी लौट तो आई है, लेकिन शिवा इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करने वाला और ना ही उसको इतनी आसानी से उसके करीब जाने वाला है। वही रावी ने जिद करके इस परिवार में एंट्री तो ले ली है, लेकिन उसको कई टेस्ट देने पड़ेंगे। गुस्से में रावी और शिवा ने जो कुछ भी बिगाड़ा है और परिवार के इमोशंस के साथ में खेला है, वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होने वाला और उसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। शिवा को तो अपनी गलती का एहसास नहीं है, लेकिन देव और क्रिश यहाँ पर रावी का साथ देते नजर आएंगे और ऋषिता भी। और रावी यहाँ पर धरा को और सुमन को मनाते नजर आने वाले हैं और सब घर वाले तो रावी का पूरा ध्यान और पूरा साथ देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा भी होगा कि शिवा भी नहीं मानने वाला है और इतनी आसानी से वो रूम भी शेयर नहीं करने वाला, वो रूम के बाहर ही सोता है। और यहाँ पर रावी अपना हक जताते नजर आएगी और कहेगी कि चुपचाप से कमरे में सो जाओ। और यहाँ पर रावी का जिद्दी अवतार देखने को मिलेगा जो कि शिवा को भारी पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो शिवा की जिद हमने शो में देखी, लेकिन अब रावी की जिद देखने को मिलने वाली है जो काफी धमाकेदार होगी और सभी को शॉक्ड देने वाली होगी। तो दोस्तों काफी धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है शो में, जहां पर काफी कुछ धमाल देखने को मिलेगा। वही शिवा और रावी का झगड़ा, लेकिन इस बार शिवा की बोलती बंद कर देगी रावी और उसकी जिद के आगे शिवा भी झुकते नजर आएगा। तो वही इन दोनों का तमाशा देखकर कृष्णा हंसते नजर आएगा और कहेगा कि हाँ अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया। और गोम्बी और देव भी शिवा की हालत देखकर उसका मजाक बनाते नजर आएंगे। तो वही सुमन और धरा इसको एंजॉय करेंगे चुपके चुपके से। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में यही लड़ाई झगड़े ही होंगे जो कि इनकी नजदीकियां और इनको करीब लेकर आएंगे। तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होने वाली है शो में, जहां पर धरा का ध्यान रखते हुए रावी पूरी कोशिश करेगी कि अपने रिश्तों को और अपने वापस से जोड़ सके और धरा का और सुमन का वापस से दिल जीत सके। और यहाँ पर जल्द ही शिवा का भी दिल जीत ही लेगी रावी। तो दोस्तों काफी धमाकेदार एपिसोड होने वाला है।